दिन की बड़ी खबरों का शो पंचनामा आप देख रहे हैं, आप सबका बहुत स्वागत है। राजनीति की दुनिया में आज बड़ी हलचल है, एक एक खबर पहुंचाएंगे आप तक। बताएंगे आपको कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी पर सुप्रीम कोर्ट क्यों हुआ सख्त, कैसे सीलिंग में ताला तोड़कर फंस गए मनोज। राजनीति में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कई मुद्दों पर टक्कर हुई, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस को एक बड़े मुद्दे पर घेर लिया और कांग्रेस घिरती नजर आई, पूरी खबर दिखाएंगे आपको। पाकिस्तान को लेकर दो तीन बड़ी खबरें हैं, नवाज शरीफ को मिली राहत, वहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी पाकिस्तान यात्रा पर अब अपने विरोधियों को घेर लिया है। पाकिस्तान पर चल रहे घमासान की एक एक खबर पहुंचाएंगे आप तक। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ, जहां मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से आजादी दिलाने के लिए आपको बता दें मोदी सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लिया। कैबिनेट ने तीन तलाक पर अध्यादेश लाने को मंजूरी दे दी है। तीन तलाक का बिल संसद से पारित नहीं हो पाया था, इसलिए सरकार ने अध्यादेश लाने का फैसला किया। तीन तलाक विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका है, लेकिन राज्यसभा में अभी भी लंबित है। संसद से बिल पारित होने से पहले 6 महीने तक अध्यादेश से काम चलेगा। इन 6 महीनों में सरकार को इसे संसद से पारित कराना होगा। सरकार के पास अब बिल को शीतकालीन सत्र तक पास कराने का वक्त है। तीन तलाक से पीड़ित महिलाओं के लिए ये बेहद अच्छी खबर है। आपको दिखाते हैं कि तीन तलाक के मुद्दे को लेकर किस तरह राजनीति में तकरार हो रही है। बैंक के दबाव में कांग्रेस पार्टी ने समर्थन नहीं दिया और हमारा स्पष्ट आरोप है कि सोनिया जी ऐसी वरिष्ठ महिला नेत्री होने के बावजूद महिलाओं के खिलाफ इतना बड़ा दमनकारी तीन तलाक चलता है और खामोश रहे। वो संशोधन जो हमने दिए थे कि आप संपत्ति को जब्त कीजिए, पर मोदी सरकार इसे राजनीतिक फुटबॉल अधिक और मुस्लिम महिलाओं के साथ न्याय का मामला कम बनाना चाहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली अहम खबर आरएसएस के कार्यक्रम की अब बात कर लेते हैं। आरएसएस के कार्यक्रम भविष्य का भारत का आज आखिरी दिन था। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आज हिंदुत्व पर बड़ा बयान दिया और जाति व्यवस्था पर भी। भारत में रहने वाले सब लोग हिंदू ही है, पहचान की दृष्टि से, राष्ट्रीयता की दृष्टि से। ये कुछ लोग जानते हैं, गर्व से कहते हैं, कुछ लोग जानते हैं, नहीं गर्व नहीं अनुभव होता, हाँ है भाई इतना कहते हैं। कुछ लोग जानते हैं लेकिन अन्य किसी बात के कारण कहने में संकोच करते हैं, और कुछ लोग नहीं जानते इसलिए नहीं कहते। संघ का काम जैसे जैसे बढ़ेगा और सर्वत्र पहुंचेगा, वैसे वैसे संघ के कार्यकर्ताओं में, अब ऊपर जाति का हमने नीचे किया और नीचे हम अनुसूचित जाति के कितने लोग हैं पूछ रहे हैं, इसलिए उत्तर देना जरा कठिन हो रहा है। लेकिन आज की दृष्टि से देखें तो जिनको हम अनुसूचित जाति जनजाति के मानते हैं उन बंधुओं का भी प्रमाण दिखने लगेगा, हम संघ में पूछते नहीं। चलिए बात करते हैं राफेल मुद्दे पर, जहां कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल आज सीएजी से मिलने पहुंचे। राफेल विमान सौदे की सीएजी जांच कराने के लिए कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल सीएजी यानी नियंत्रक और महालेखाकार से मिला। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल में अहमद पटेल, अशोक गहलोत, रणदीप सुरजेवाला, आनंद शर्मा और जयराम रमेश जैसे नेता शामिल थे। ऐसी अटकलें थी कि राहुल गांधी भी जाएंगे कैग से मिलने। वी होप दैट वंस द रिपोर्ट ऑफ द सीएजी इज आउट द एंटायर प्राइस कंट्रोवर्सी, why 41,000 crore were paid extra, why was Reliance chosen over HAL, all these issues will come out in public domain and Modi government would be exposed in the Rafael scam. इससे पहले राफेल डील को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी द्वारा मंगलवार को लगाए गए आरोपों पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन ने पलटवार किया। और अब बात बीजेपी नेता मनोज तिवारी की, जो फंसते हुए दिख रहे हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी को सीलिंग में ताला तोड़ने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया है। मनोज तिवारी को 25 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया गया है। मनोज तिवारी ने दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में एक सील बंद इमारत का ताला तोड़ा था। दिल्ली में अवैध इमारतों की सीलिंग सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रही है। कोर्ट ने मनोज तिवारी को अवमानना का नोटिस भी जारी किया है। जस्टिस मदन बी लोकुर और दीपक गुप्ता की बेंच ने कहा, एक चुने हुए जनप्रतिनिधि का ऐसा आचरण दुर्भाग्यपूर्ण है, हम उन्हें अवमानना के आरोप में नोटिस जारी कर रहे हैं, वो मंगलवार को कोर्ट में पेश हों। मनोज तिवारी पूर्वी दिल्ली सीट से लोकसभा सांसद हैं। तो सील्ड प्रॉपर्टी का ताला तोड़कर बुरे फंसे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। बढ़ते हैं आगे, वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में भारत को एक बड़ी सफलता मिल सकती है। घोटाले के एक आरोपी को भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल को भारत प्रत्यर्पण करने के लिए दुबई कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं, लेकिन इन ऑर्डरों पर दुबई की मिनिस्ट्री की
फाइनल मुहर लगना अभी बाकी है। मिशेल पर आरोप है कि उसने वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में बिचौलिए की भूमिका निभाई थी। मिशेल पर यह भी आरोप है कि उसने भारत में घूस की रकम कई लोगों को दी थी। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला तब सुर्खियों में आया जब इटली के एरोस्पेस और डिफेंस निर्माण से जुड़ी कंपनी फिनमेकानिका के पूर्व मुखिया ओरसी को स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ओरसी पर भारत सरकार से वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों का 3727 करोड़ का सौदा हासिल करने के लिए कथित तौर पर 362 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप लगा है। इस मामले से जुड़ी बड़ी सफलता के रूप में इसे देखा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बिहार की राजनीति की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मिलने पहुंचे। माना जा रहा है कि 20 मिनट की इस बैठक में दोनों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर 2020 खेला गया है। देखिए, अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच 20 मिनट तक चली मुलाकात। सीटों के सस्पेंस के बीच इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। 2009 में 15 सीटों पर बीजेपी और 25 लोकसभा सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ी थी। 2010 विधानसभा में बीजेपी 101 और जेडीयू 142 सीटों पर लड़ी थी। हालांकि इस मुलाकात में अभी तक सीटों के बंटवारे को लेकर कुछ खुलासा नहीं हुआ, लेकिन कुछ फॉर्मूले जरूर सामने आ रहे हैं। पहला फॉर्मूला ये है कि बिहार में 40 सीटों में से 20 पर बीजेपी लड़ेगी, बाकी बची 20 सीटों पर जेडीयू, एलजेपी और आरएलएसपी लड़ेंगे। इन तीनों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं निकला है। दूसरा फॉर्मूला यह है कि 20 सीटों पर जेडीयू लड़ सकती है, जबकि बाकी बचे 20 में बीजेपी, एलजेपी और आरएलएसपी लड़ेंगे। लेकिन यह फॉर्मूला बीजेपी को मान्य नहीं होगा, क्योंकि 2014 में बीजेपी के 22 सांसद बिहार से चुने गए थे। और चित्रा, हमें नहीं भूलना चाहिए कि नीतीश कुमार इससे पहले सीट बंटवारे को लेकर सम्मानजनक समझौते की उम्मीद जाहिर कर चुके हैं। अब खबर यह भी है कि इस बार एनडीए और एलजेपी और आरएलएसपी को जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि वो सीटों पर ज्यादा शेयर चाहते हैं। बीजेपी से जो गठबंधन हुआ था उस समय 3 सीट हमको मिला था और तीनों सीट हम लोग जीते थे, और पार्टी हमारी बड़ी हो गई है। पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है बिहार में और अन्य प्रदेशों में, तो उस हिसाब से सीट शेयरिंग में सम्मानजनक समझौता होगा। हम लोग बिहार में 7 सीट पे लड़े थे पिछले 2014 में, 6 सीटों पे हम लोग को कामयाबी हासिल हुई थी, और नालंदा में हमारे दल के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर सत्यानंद शर्मा बहुत कम 1,000-2,000-4,000 वोटों से उनको पराजय का सामना करना पड़ा था। और निश्चित रूप से हम जितनी सीट पे लड़े थे उतनी सीट पे हमको आशा है कि हम पुनः हमारी पार्टी। चलिए अब बात करते हैं कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की। करतारपुर साहिब कॉरिडोर मामला अब जुबानी जंग बहुत ज्यादा तीखा होता जा रहा है। एक बार फिर नवजोत सिंह सिद्धू ने बीजेपी और अकाली दल पर हमला बोला है। और मैं कहता हूं सरदार सुखबीर सिंह बादल आ गया, और मोदी साहब ने जिन्होंने बधाई के लिए फोन किया था उनसे 10 करोड़ नानक नाम लेवा श्रद्धालुओं के लिए फोन करवा, लांगा खुलवा, तू ना इधर उधर की बात कर, बता के लांगा क्यों नहीं खुला। लेकिन ये भारत सरकार की ड्यूटी बनती है कि वो इन 10 करोड़ श्रद्धालुओं के लिए एक फॉर्मल रिक्वेस्ट भेजें, क्योंकि जाना हमने है उधर। तो ये थे अपने विरोधियों पर हमला बोलते नवजोत सिंह सिद्धू। अगली खबर दिल्ली से। दिल्ली में सफाई कर्मचारी पिछले 8 दिन से हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से पूर्व दिल्ली में सड़कों पर कूड़े के ढेर लग गए हैं। तस्वीरें पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके की हैं। सड़कों पर कूड़े का अंबार लगा है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से गलियों का और भी बुरा हाल है। ये बालत लीक से फैला हुआ है, बहुत परेशानी हो रही है, बहुत दिक्कत होती है, यहाँ गंद रहता है, कोई एक मरा हुआ जानवर फेंक गया था कुछ दिन पहले। सफाई कर्मचारियों की मांग है कि 2017 तक निगम में कर्मचारियों का नियमितीकरण हो जाए, बकाया एरियर दिया जाए, मेडिकल कैशलेस कार्ड बने। अभी तक सर कुछ ये पता नहीं है, जब तक हमारा बकाया जो एरियर जो पैसा जो बना हुआ है कर्मचारियों का वो जब तक नहीं दिया जाएगा, जब तक हड़ताल जारी रहेगी। सफाई कर्मचारी जल्द हड़ताल पर ना लौटें तो दिल्ली वालों को और भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
अनुराग, ये हर साल की तस्वीर है दिल्ली में। राजधानी कूड़ा कूड़ा होती है और हम देखते हैं किस तरह से जनता जो है वो भुगतती है। आगे बढ़ते हैं। काले धन पर कर्नाटक के मंत्री डीके शिवकुमार पर केस के बाद आज बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोल दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि किलो और टन में कांग्रेस के दफ्तर में करप्शन का पैसा जाता था। सतीश चंद का कहना है कि ये पैसा आता था, बंगलोर से आता था, कर्नाटका से आता था। ये पैसा चांदनी चौक जाता था, चांदनी चौक में हवाला रूट इत्यादि कुछ होता होगा, उसके पश्चात वो बोरियों में बंद होके जाता था AICC के दफ्तर। और इस बात की पुष्टि अपने कन्फेशनल स्टेटमेंट में खुद हनुमंथैया कर रहे हैं कि कन्फेशनल स्टेटमेंट हमने 3 लोगों का दिखाया है, जिनमें 2 लोग अधिकारी रह चुके हैं कर्नाटक सरकार का, उनमें से 1 वर्तमान में भी अधिकारी है, 1 सेवानिवृत्त अधिकारी है, सभी का लिंक डीके शिवकुमार से। और ये जो पैसा AICC में आया है इसका जवाब कौन देगा, यह प्रश्न हम राहुल जी से पूछना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार इस पूरे मामले को बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। चलिए मध्य प्रदेश लेकर चलते हैं आपको, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह विदिशा में अटल बिहारी शासकीय महाविद्यालय का लोकार्पण करने पहुंचे। यहां खाली सीटों को भरने के लिए छात्रों को बसों में भरकर लाया गया। मंच पर शिवराज सिंह का भाषण चल रहा है और सामने की सीटें खाली पड़ी हैं। तस्वीरें विदिशा की हैं, जहां मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान अटल बिहारी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय का लोकार्पण करने पहुंचे थे। सीएम साहब के अवभगत के लिए जिलाधिकारियों ने तैयारी तो पूरी कर ली थी, सीएम दौरे के विरोधियों को पहले ही रोक दिया था। वहीं भीड़ जमा करने के लिए स्कूल और कॉलेजों से बसें भर भर के छात्रों को लाया गया, ताकि सीटें भरी रहें। लेकिन सीएम साहब जब तक भाषण देते, छात्रों का धैर्य भी जवाब दे गया और वो बीच कार्यक्रम से ही उठकर चले गए, जिससे सीटें खाली पड़ी रहीं। बहरहाल ऐसे हालात में ही शिवराज सिंह ने भाषण दिया और गणेश आरती कर कॉलेज का लोकार्पण किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब खबर पाकिस्तान से। आपको बता दें, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बड़ी राहत मिली है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ समेत उनकी बेटी मरियम नवाज शरीफ और दामाद की सजा रद्द कर दी है। भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी पाए जाने के बाद पाकिस्तान के आम चुनावों से पहले नवाज शरीफ और उनके परिवार को जेल भेजा गया था, लेकिन आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में नवाज शरीफ की सजा को रद्द करने का आदेश दिया। दरअसल एवन फील्ड प्रॉपर्टीज केस में 6 जुलाई को नवाज शरीफ, बेटी मरियम और दामाद सफदर को दोषी माना गया था, जिसके बाद नवाज को 10 साल, मरियम को 7 साल और कैप्टन सफदर को 1 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ से नवाज शरीफ, उनकी बेटी और उनके दामाद को बड़ी राहत। चलिए आपको ले चलते हैं वाराणसी। वाराणसी में पूर्वांचल राज्य की मांग को लेकर एक आंदोलनकारी ने रोडवेज की बस को आग के हवाले कर दिया और पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। आग की लपटों में घिरी बस की यह तस्वीर वाराणसी के कैंट बस अड्डे की है। वाराणसी से लखनऊ जाने वाली इस बस को पूर्वांचल राज्य की मांग करने वाली एक आंदोलनकारी ने आग के हवाले कर दिया। बस में आग लगते ही पूरे बस स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। दमकल विभाग की टीम जब तक मौके पर पहुंची, तब तक पूरी बस जलकर खाक हो गई थी। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। कोई संज्ञान में नहीं ले रहा था, कोई वार्ता नहीं कर रहा था, अंत में इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। मैं गांधीवादी तरीके से लड़ रही थी, भगत सिंह बना दिया इन लोगों ने, जो करना हो वो करे। आपको बता दें, पूर्वांचल राज्य की मांग को लेकर 15 अगस्त से आंदोलन चल रहा है। और अब हरियाणा से एक और अपराध की खबर। हरियाणा के रेवाड़ी के बाद अब फरीदाबाद में एक युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। घटना फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की है, जहां 4 आरोपियों ने युवती और उसके दोस्त को पहले बंधक बनाया, फिर उनके साथ मारपीट की और फिर चारों ने युवती के साथ गैंगरेप किया। युवती के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पीड़िता का मेडिकल टेस्ट भी कराया गया है। पुलिस ने 1 आरोपी को गिरफ्तार किया है, वहीं 3 आरोपी अब तक फरार बताए जा रहे हैं। नस्ल से हमें ऐसे कई एविडेंस, अहम सबूत सामने आए हैं, जिससे जिनको मतलब हमने कब्जा में लिया है, उनसे जल्द ही तुरंत ही दोषियों को गिरफ्तार करने में किसी प्रकार की कोई देरी नहीं की। सवाल यह, देश का वो कौन सा इलाका है जहां बेटियां सुरक्षित हैं? रुक करेंगे अगली खबर का। इंदौर में बाणगंगा इलाके में एक युवती पर एसिड अटैक का मामला सामने आया है। पुलिस को घटना की जानकारी देती इस युवती पर सरेराह एसिड अटैक किया गया। एसिड अटैक करने वाला आरोपी युवती की जान पहचान वाला बताया जा रहा है, जिसने युवती को फोन कर घर से बाहर बुलाया। वहीं एक दूसरा शख्स उसके चेहरे पर केमिकल फेंक कर भाग गया। संभवतः वो जो जिसने बुलाया था उसके द्वारा ही घटना की गई है। पुलिस उसमें जांच कर रही है और आरोपी को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। प्राइम बेसिकली डॉक्टर से बात हुई है, चेहरे पे कोई भी एसिड जैसे निशान नहीं है। पुलिस ने आरोपी की पहचान कर तलाश शुरू कर दी। वहीं युवती फिलहाल अस्पताल में
और उसका इलाज चल रहा है। आपको बता दें, एक तरफ रेप के मामलों में सबसे ज्यादा नंबर मध्य प्रदेश से ही सामने आते हैं, तो वहीं देखिए बेटियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं। एक और खबर ने मध्य प्रदेश से इस बात की पुष्टि कर दी है। और अब आपको लेकर चलते हैं मौसम सेंटर। फौजिया आपको बताएंगी कि देश भर में क्या है मौसम का हाल। नमस्कार, मैं हूँ फौजिया, आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर रिपोर्ट। पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण देश के लगभग सभी राज्यों में मौसम आज सूखा रहा। बारिश केवल साउथ छत्तीसगढ़ के जगदलपुर और आसपास रिकॉर्ड की गई। महाराष्ट्र में पुणे और आसपास के भागों में भी छिटपुट बारिश देखने को मिली। स्काईमेट के अनुसार जल्द ही देश के अधिकांश हिस्सों में मौसम बदलेगा। बंगाल की खाड़ी से पूर्वी हवाएं चलना शुरू होंगी, जिससे पूरब से लेकर उत्तर और पश्चिम तक मॉनसून एक्टिव होगा। बारिश का अच्छा एपिसोड देखने को मिलेगा। 20 सितंबर के मौसम की बात करें तो इस समय देश के दोनों तटों पर यानी बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी पर वेदर सिस्टम बन गए हैं, जिसके कारण ईस्ट कोस्ट और सेंट्रल इंडिया के कुछ क्षेत्रों में मॉनसून वर्षा का सिलसिला कल से ही शुरू हो जाएगा। बे ऑफ बंगाल में बना डिप्रेशन ओडिशा, नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश और साउथ छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा देगा। पश्चिम बंगाल में भी मध्यम से भारी बारिश कल से शुरू हो सकती है। छत्तीसगढ़ के बाकी हिस्सों, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में भी मौसम कल से करवट ले लेगा, हल्की बारिश शुरू हो जाएगी। इन राज्यों में 21 सितंबर से बारिश तेज होने की संभावना है। दूसरी ओर अरेबियन सी पर बना सर्कुलेशन और ट्रफ के कारण महाराष्ट्र के पुणे, नासिक और आसपास के शहरों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। आपको ले चलते हैं मुंबई, जहां गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। मुंबई के एक गणेश पंडाल में 400 साल पुराने कंबोडिया के मंदिर की झांकी बनाई गई। 400 साल पुराने मंदिरों के दरवाजे पर लगे ये जाले और ये पुरानी कलाकृति, कंबोडिया के प्राचीन विष्णु मंदिर का अनुभव मुंबई में देखने को मिले तो हैरान होना लाजमी है, क्योंकि इस पंडाल में मंदिर की छोटी से छोटी बारीकियों को ध्यान में रखा गया है। यहाँ से हम भीतर चल रहे हैं गर्भगृह की ओर। गर्भगृह में गणपति बप्पा विराजमान है और ये छोटा सा मंदिर है और इस छोटे से मंदिर को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है और यहाँ पर बप्पा विराजमान है। बप्पा, हम सबके प्रिय बप्पा, लंबोदर पीताम्बर, और जिनकी पूजा और अर्चना बड़ी आस्था से गणेश भक्त करते हैं और अपने अपने तरीके से गणपति बप्पा को अपने पसंद के मंदिरों में स्थापित करते हैं। ये है ABP News, आपको रखे आगे।